हेलो लोजी, हम एक बार फिर आ गए आपके सामने एक नए परफ्यूम को लेके। परफ्यूम क्या कहूँ इसे, इसे बॉडी स्प्रे कहूँगा। परफ्यूम और बॉडी स्प्रे में जो थोड़ा फर्क आप समझ सकते हैं वो ये है कि जैसे डिओड्रेंट और परफ्यूम में जो फर्क होता है वही करीब करीब इन दोनों में भी होता है। तो आज जिस परफ्यूम के बारे में बता रहा हूँ वो है लेयर शॉट का ब्लैक नोआर। ब्लैक नोआर के बारे में बताऊंगा। इसको इसलिए मंगा लिया कि काफी सस्ता था ये, इसका प्राइस इतना कम था कि मैंने सोचा कि अगर खराब भी निकल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम पता तो चलेगा इस परफ्यूम के बारे में। तो आज आपको बताता हूँ ब्लैक नोआर, जो लेयर शॉट का ब्लैक नोआर परफ्यूम है वो कैसा है, क्योंकि इस तरह के परफ्यूम्स मार्केट में बहुत सारे हैं। सस्ते परफ्यूम होते हैं, लोग आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि क्या ये जितने सस्ते हैं इनकी क्वालिटी उतनी ही सस्ती है या उससे अच्छी है। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। तो आपको दिखाता हूँ, सस्ता है इसलिए इसका बॉक्स भी नहीं आया। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था तो ऐसे ही फ्लिपकार्ट से आ गया। इसका प्राइस बहुत ज्यादा आपको मैं सस्पेंस में नहीं रखना चाहता, आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये मुझे 160 का मिल गया था। क्योंकि प्राइस इतना कम था तो मैंने सोचा कि इसको मंगा ही लेते हैं, कम से कम पता चलेगा कि इतने कम प्राइस में भी जो बॉडी स्प्रे है वो कैसे हैं। तो आप देख रहे हैं इसकी बॉटल प्लास्टिक की है, ये जो आप देख रहे हैं ये कांच की नहीं है, ये पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है। यहाँ पे गोल्डन कलर से एक स्टिकर लगा हुआ है, उस पे शॉट लिखा है, ऊपर छोटा सा लेयर लिखा हुआ है। तो कुल मिला जुला के यही इसका प्रेजेंटेशन है। और इसकी जो कैप है वो भी सस्ता ही है, तो सस्ती ही कैप होगी, सस्ता प्लास्टिक है, पतला सा है, लेकिन ठीक है। इस तरह के बॉडी स्प्रे जो कम प्राइस के होते हैं उनमें हम और क्या ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंस वो कैसी है। तो इसको स्प्रे करते हैं, इसका स्प्रेयर भी आप देखिए जो एटमाइजर है इसका, ये काफी बड़ा सा है गोल्डन कलर का, और इसको स्प्रे करते हैं, वाह एकदम मिस्ट की तरह फेंक रहा है, जैसे कि आप बॉडी मिस्ट देखते हैं ना, मेरे ख्याल से उसी तरीके की ये चीज है। इसके अंदर जो ऑयल कंटेंट है परफ्यूम का वो बहुत ही कम होता है, मुश्किल से 5 या 10% इससे कम ही रहता होगा, और मैक्सिमम 90% इसमें या तो एथेनॉल होता है या फिर वाटरी कंटेंट होते हैं जो कि इसको इतना बड़ा पैकेट बना देती है। ये 130 ml की बॉटल है, 130 ml है तो आप समझ लीजिए कि इसके अंदर वाटर या इसके अंदर एथेनॉल होगा वो कितना ज्यादा होगा, 90% तो मिनिमम हो गई होगा। जिसकी वजह से जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि इसकी लॉन्जिविटी बहुत कम होती है, मुश्किल से 1 घंटा या मैक्सिमम आप समझ लीजिए तो 2 घंटे तक ही इसकी फ्रेग्रेंस रहती है। वैसे ये होते भी है बड़े कैजुअल यूजेस के लिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं थोड़ा सा परफ्यूम लगाना है कि बॉडी बस स्मेल करती रहे तो इसको आप लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय तक तो इसको आप इंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइस भी कम है तो इसकी लॉन्जिविटी भी कम होगी। अब इसकी स्मेल के बारे में बताता हूँ। इसकी स्मेल जो है वो शुरुआत से तो एक बर्गमा की जो सिट्रसी स्मेल होती है जो कि कॉमन है, जो समर परफ्यूम्स होते हैं उनके अंदर सिट्रसी स्मेल तो जरूर ही होती है, तो इसमें भी शुरुआत सिट्रसी स्मेल से होती है। उसके बाद क्या होता है, नाम इसका है ब्लैक नोआर, नोआर का मतलब होता है अंधेरा, तो काला अंधेरा। तो उसी तरीके से जब आप इसको थोड़ी देर बाद स्मेल करेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट बाद इसकी जो स्मेल होती है वो काला हो जाती है, काला खट्टा, जैसे खट्टी मीठी स्मेल आती है ना वैसी स्मेल, वैसी चटपटी स्मेल इसके अंदर से आने लगती है जो कि जूनिपर बेरीज की वजह से आती है। थोड़ा सा फ्रूटी होती है, थोड़ी सी स्पाइसी होती है, थोड़ी सी चटपटी सी होती है, तो वैसी कुछ स्मेल इसके अंदर से आती है। जब इसकी सिट्रसी स्मेल थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाती है, तो वो चटपटी स्मेल इसके अंदर से आने लगती है। ब्लैक नोआर से तो मुझे लगा इसका नाम होना चाहिए ब्लैक काला खट्टा, मुझे तो तुरंत लगाते ही लगा जैसे कुछ चटपटी चीज की स्मेल इसके अंदर से आ रही हो। बाद में थोड़ा सा ये एम्बरी हो जाता है और वुडी हो जाता है, वुडी भी बहुत ज्यादा नहीं रहता। बहुत देर तक इसके अंदर जो मैंने आपको बताया काला खट्टा टाइप की जो चटपटी स्मेल होती है वो स्मेल काफी देर तक इसके अंदर रहती है। वैसे तो देर क्या कहूं, मुश्किल से 1-1.5 घंटे तो ये टोटल स्टे करता है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन जो है ना वो बड़ा शार्प है, बहुत तेजी से अगर आपने इसको लगाया है ना तो कम से कम 3-4 फीट दूर तक लोगों को पता चल जाएगा कि आपने कोई स्मेल कोई फ्रेग्रेंस लगा रखी है। लोग एक बार पलट के तो जरूर देखेंगे, हो सकता है उनके एक्सप्रेशंस थोड़े से अलग हो, कोई ऐसे देख रहा हो, कोई कोई ऐसे कर रहा हो, कोई ऐसे कर रहा हो, तो तरह तरह के एक्सप्रेशंस आपको मिल सकते हैं इसको लगाने के बाद, क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना वो अजीब सी है, मतलब मुझे तो पसंद नहीं आई बिल्कुल भी, ऐसी स्मेल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। खैर कोई बात नहीं, इतने कम प्राइस में हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो एक ठीक ठाक स्मेल है इस प्राइस रेंज में। अगर आपको ये 150 रुपये की मिल जा रही है 130 ml की,
तो कभी कभार अगर आपको लग रहा है कि यार मैं ये रेगुलर परफ्यूम्स लगाते लगाते उब गया हूँ, तो इसको लगा लीजिए। रेगुलर यूज में तो शायद आप इसको लगाना बिल्कुल भी पसंद ना करें। वैसे भी ये लेयर शॉट मंगाने के पीछे जो कारण था वो ये था कि मैं लेयर शॉट का जो अभी लेटेस्ट नया बड़ा सा बॉटल आई हुई है वो मंगा रहा था, लेकिन किसी वजह से वो मेरा ऑर्डर कन्फर्म नहीं हो पाया, तो उसकी जगह ये ऑर्डर कन्फर्म हो गया। तो मैंने कहा चलो इसी को ही मंगा लेते हैं, इसी को देखते हैं कि कैसी है। वैसे मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ इस तरह के बॉडी स्प्रेस को, मैं परफ्यूम्स प्रेफर करता हूँ, चाहे वो सस्ता हो चाहे महंगा हो। मैं सोचता हूँ कि परफ्यूम्स का ही रिव्यू करूँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अब एक बार ये बॉडी स्प्रे आ गया है तो इसका रिव्यू करना भी बनता था। तो मैंने आज इसके बारे में आपको बता दिया कि ये कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक परफ्यूम है। 150 रुपये में अगर आपको ये मिल रहा है तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप आराम से किसी दूसरे परफ्यूम के बारे में सोच सकते हैं या उसको ले सकते हैं। तो ये था लेयर शॉट का जो ब्लैक नोआर, नाम तो बड़ा खतरनाक लगा हुआ है, लगता है जैसे कोई डिजाइनर परफ्यूम है। तो ये ब्लैक नोआर डिजाइनर तो नहीं, एक साधारण परफ्यूम है। इसके बारे में जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने आपको बताया। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप इस तरह के परफ्यूम्स को लेना पसंद करेंगे। अगर करेंगे तो बिल्कुल लीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो बस लेयर शॉट के ब्लैक नोअर के बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि एक कॉमन सा परफ्यूम है, कम दाम का है, बस यही इसकी USP है और कुछ भी नहीं है। और चलते चलते मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग मुझे सुपर थैंक्स दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सुपर थैंक्स से जो भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है मैं उसे नए परफ्यूम्स मंगाने में यूज करूंगा। तो चलता हूँ, फिर किसी नए परफ्यूम के रिव्यू के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार।